डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन जो इस बुकलेट के लिए बड़ी जरूरी है, जो कि सर्कुलेट पहले से हो चुकी है। अगर यहाँ हम किसी डिपार्टमेंट का लिख देंगे यहाँ की एबसेंट, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी मुलाजिम को। इसलिए देख लें, किसी का भी बकाया इन्फॉर्मेशन नहीं रहना चाहिए। जिसका भी इन्फॉर्मेशन है वो अपना डेटा दे दें, जमा करें, और उसके बाद हम इसको इख्तितामी शुक्रिया आपका अदा करेंगे, ताकि कंक्लूड कर देंगे हम प्रोग्राम। अभी हमें एक टोन की एक स्पेशल मीटिंग है इसके बाद, तो आप तमाम मुलाजिम का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पार्ट प्ले किया। लेकिन इससे पहले नहीं लीव करें इस प्लेस को, कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ डिपॉजिट करें, चाहे टोन के यहाँ मेरे जुल्फकार साहब हैं इनके पास दे दें, या मेरे AMO हैं मिस्टर सुनील, उसके पास जमा कर दें, ताकि उसकी एक पूरी सेट की कापी हम रिटेन करें यहाँ टोन के पास, और एक सेट हमारे साथ ले जाना है। आपकी बुकलेट की इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर बेस्ड होगी, और उसी के बेस पे डेवलपमेंट का जो फर्दर प्रोग्राम होगा वो बनेगा। उसमें प्रायोरिटीज़ ऑफ वर्क्स वगैरह सारा कुछ उसमें आएगा, डिमांड्स की भी उसमें कॉलम है, तो वो हम इनसे टोन की कमेटी में वो तय कर लेंगे क्या करना है। इसके साथ ही मैं यहाँ के मौजूदीन और आप तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपने बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। एक बार फिर शुक्रिया। अब मैं इसको जुल्फकार साहब को दावत देता हूँ कि ये अपने जैसे इनने शुरू किया था, तो वोट ऑफ थैंक्स के साथ इसका इख्तिताम कर डिक्लेयर करें प्रोग्राम को। जी, सबसे पहले मैं अपने जितने भी ये डिपार्टमेंट से आए हुए मुलाजिम हजरात का, अपने मौजूद शहरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाया। और जो भी उनकी ग्रीवेंसेस रही वजह हैं, कई बार हमारे पास अपने डिपार्टमेंट में भी कोताहियाँ रहती हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, तो आज जिस तौर भी ये जो प्रोग्राम माई प्राइड माई टाउन पे जो हुआ, कि लोगों की जो शिकायत का अजाला था वो ऑन स्पॉट मेहमान खुसूसी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इमामुद्दीन साहब ने खुद सुनी भी, और कईयों का अजाला भी कर दिया गया। तो इसी तरह से मैं सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपना पूरा वक्त दिया डिपार्टमेंट्स का, अपने मौजूद शहरियों का, और आइंदा भी इनके जितने भी जो कुछ भी इनका सुझाव होंगे टाउन से बेहतरी के मुतलिक, अपने सुझाव, अपने जो भी राय होगी, तो बहरहाल आगे भी इस किस्म का प्रोग्राम होगा तो सब गवर्नमेंट का क्या इंस्ट्रक्शन रहती है, तो अपने अपने सुझाव दें, ताकि हम ठाठी की बेहतर से बेहतर इस हालत को और बेहतर कर लें। पर जो आज माई टोन माई प्राइड का जो प्रोग्राम हुआ, तो आपकी क्या राय है इस पे, कि क्या ये कामयाब हुआ यहाँ पर कि नहीं? देखिए, ये जो ऐसे प्रोग्राम ये होने चाहिए ताकि ज़मीनी लेवल पर हर चीज़ गवर्नमेंट की पहुँचे, लेकिन होता क्या है, आलमोस्ट जो है जो यहाँ लगते हैं, स्टार लगते हैं, बाकी चीज़ें सभी लगते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उसका पिछले दिनों वो बैक टू विलेज में भी हो गया। उसमें एक मिसाल दे दूंगा, हमारे यहाँ एक हायर सेकेंडरी जिसका नाम हायर सेकेंडरी स्कूल नांदना, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 180 बच्चे हैं और 180 बच्चों में से एक भी टीचर नहीं है, खाली RET हैं चार, और 180 बच्चे उस 180 बच्चों में से लास्ट ईयर 24 ने एग्ज़ाम दे दिया, PUC में 24 के 24 ही फेल हो गए। तो हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड हो गया कि एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बाकी जो ये प्रोग्राम ये होने चाहिए ताकि ज़मीन पर कुछ ना कुछ हो। शुक्रिया। जिनकी मांग करनी है जरूरी है, आपका इस प्राइड के रिलेटेड क्या राय है? देखो, जो बैक टू विलेज है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैंने कल भी कहा था प्रधानमंत्री जी का, हम शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुंचे, घर घर तक आवाज़ पहुंचे। ठाठी के जो बर्निंग इशू हैं, जो काफ़ी देर से हम लोगों को तबाह और बर्बाद किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की डिवीज़नें, चाहे वो PHC की डिवीज़न हो, चाहे वो क्या बिजली की डिवीज़न हो, या RNB की डिवीज़न हो, किश्तवाड़ के साथ है, डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा है, ये कल काफ़ी लोगों ने इस इशू को यहाँ पर उठाया, और हमने एक उम्मीद की है कि इस डिवीज़न स्पेशल
डिवीजन ठाठरी को दी जाए, क्योंकि ये हमारे लोकल अफसर हैं जो वहाँ पर आए थे, जो चीफ गेस्ट थे, इनने भी इस पर हमारी बात सुनी है। यही हमारी मांग है, सबसे ज़बरदस्त मांग ठाठरी की यही है कि स्पेशल डिवीजन ठाठरी को दी जाए ताकि लोगों के अजाले हो सकें। इतना मेरे को आज कहना है। सर, यहाँ पर जो दो रोज़ा प्रोग्राम हुआ माइट ऑन माइट राइट के रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है लोगों की काफ़ी ग्रीवेंस भी आई थी। जैसे कि आपको पता है, दो दिन से आप भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो गवर्नमेंट का ये जो मेरा शहर मेरी शान जो है माई प्राइड माइट ऑन, तो इसके तहत जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, लोगों ने काफ़ी यहाँ पे अपने ख्यालात भी रखे, ग्रीवेंसेस भी रखे, और साथ में हमने सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ ऑफिसर्स बुलाए हुए थे, उनने अपनी स्कीमों के बारे में भी बताया, अपने प्लान्स के बारे में भी बताया। तो ख़ासकर यहाँ पे दो इशू जो थे वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पानी का निज़ाम जो है उसकी प्रॉपर फराहमी और उसकी तरसीली लाइनें जो हैं, और उसके अलावा बिजली का जो इन्होंने डिमांड की कि हमें जो टोन का ग्रिड है वो सेपरेट होना चाहिए। उसके अलावा भी हमने जो म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी है उसके साथ, इसके बाद ये कंक्लूडिंग सेशन है पब्लिक मीटिंग का, इसके बाद एक मीटिंग उनके साथ है, उन्हें इस साल का बजट पास करना है, और उसमें हमें उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिमांड्स रखी गई हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया जाएगा, और प्रायोरिटाइज़ करने के बाद जो है उसको हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट के पास जो वो प्रपोज़ल चला जाएगा तो उसमें फंडिंग भी होगी, और यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में जो है, और यहाँ मुश्किलात जो लोगों ने पेश की उसके बारे में काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि उसमें फंडिंग हो जाएगी और वो इजाला हो जाएगा। सर, अभी जो ये प्रोग्राम है माइट ऑन माई प्राइड, इसका जो है सर सेकंड फेज भी होगा कि खाली एक ही? चूँकि ये जो प्रोग्राम माई टोन माई प्राइड जो है, ये ऑन द बेसिस ऑफ बैक टू विलेज एनोलॉजी पे किया गया है, और जैसे आपने वहाँ देखा, मुझे उम्मीद है कि वहाँ तीन फेज़ इसके हुए, और यहाँ भी मुझे लगता है कि चूँकि एक शुरुआत हुई है और इसमें मुझे लगता है लोगों की उम्मीदें भी, और गवर्नमेंट भी एक तरफ से चाहती है कि एक पब्लिक के साथ रابطہ बनाया जाए और डोर स्टेप पे पब्लिक ग्रीवेंसेस की सुनवाई हो जाए और लोगों के मसाइल जो हल करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे बैक टू विलेज में इसके फेजेस हुए तो इसमें भी फेजेस नेक्स्ट होंगे, उम्मीद करते हैं हम, और उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और रिव्यू भी हो जाएगा और प्रोग्रेस के अभी भी हमें पता चलेगा कि लोगों के लिए क्या क्या सहूलियात हम फराहम करने में कामयाब हुए। सर, यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज का मसला है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कल भी ये यहाँ पे एक इशू उठा था डिग्री कॉलेज का, पिछले 7-8 साल से उसमें कोर्ट में केस चल रहा है। अब जो पेटिशनर है उसके साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत की है और हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो मसला हल हो जाएगा और एक माकूल जगह जो है जहां लोगों की सेटिस्फेक्शन हो। ये कोई ऐसा छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जहां पे कॉलेज बनेगा उसमें कम से कम 20-30 कनाल की लैंड होनी चाहिए, आगे भी उसका एक्सपेंशन का स्कोप होना चाहिए। तो ऐसी जगह यहाँ मुझे उम्मीद है कि ठाठरी वाले लोग इस नतीजे पहुँचे हैं कि भाई डिस्प्यूट से कोई मसला हल नहीं होगा, तो इखलाकियात और आपस में मफाहमत के ज़रिए से मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कॉलेज का मसला हल हो जाएगा।